यहाँ पे होगी लड़ाई, बाहर निकलते लड़ाई होगी भयंकर। चेक करो और वेदर चेक करो आप। ओ भाई अभी गिर जाता मैं। जयपुर के बाद हम फिर जाएंगे डाकू के इलाके में। ये देखो भाई बाइक लोड हुई है सफारी में। बस अटे 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 भी लगाए तो भाई आज अपना चल रहा है मेकअप वाला सिस्टम। अभी ये लगा रखा है, अभी इसको सही करेंगे, थोड़ा और सही करेंगे, फिर हम ब्लॉग बनाएंगे। पहले ये खत्म करते हैं। तो अर्जेंट में कहीं निकलना पड़ रहा है तो कपड़े इस तरह हो रहे हैं। हम तैयार हो गए, निकल रहे हैं। हम कहाँ निकल रहे हैं आपको निकल के बताते हैं। पहले निकल रहे हैं, अर्जेंट में कहीं जा रहे हैं। चुके घर से, ये अपना राइडिंग गियर बैग ले लिए, कपड़े इसमें डाल दिए और निकल रहे हैं। सीधा पहुंच रहे हैं मोनू के पास। मोनू छोड़ेगा अपने को स्टेशन, 5 मिनट का रास्ता। मोनू स्टेशन छोड़ेगा अपने को। चलते हैं जल्दी जल्दी, लेट हो ट्रेन है। अब जहाँ जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट। जोधपुर से बाहर क्या निकलने लगे, बारिश आ गई जैसे पहुंचे थे। और ये हमारा बहुत पुराना दोस्त, सालों शायद गायब हो गया था, पवन छजारा साहब, क्या हाल है? बस बढ़िया। संतोष जी हमारे गम में पतले हो गए। और पीछे मोहन सा, क्या हाल है मोहन सा? मजे बढ़िया। तो भाई आज मतलब ऐसा, ये वाला ट्रिप तो मेरा ऐसा था, मुझे खुद को भी नहीं पता कि जाना है नहीं जाना। इतने दिन से सोच रहा था, मतलब कंफर्म नहीं था मेरे को नहीं जाना था, क्योंकि मेरा राइडिंग गियर सब कुछ गुड़गांव ही था। बट जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने बोला आपका सब सामान हम लेके पहुंच रहे, आपको पहुंच रहे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम जाएंगे जयपुर। तो आज की हमारी जर्नी है जयपुर। जयपुर के बाद हम फिर जाएंगे डाकू के इलाके में। अब आपको गैस करके बताना कि हम कौन से डाकू के इलाके में जा रहे हैं। जो फेमस है ना, हाँ जी फेमस है डाकू का इलाका, वो उससे फेमस कुछ नहीं है। बारिश देखो भाई जोधपुर में प्यारी हो रखी है। क्या तगड़ी बारिश आई भाई, भयंकर, मतलब दिख ही नहीं रहा भाई कुछ भी। अच्छा वो मैं वहाँ से यहाँ तक बाइक पे आ गया और यहाँ पे गाड़ी में जा रहे हैं हम। ये देखो भाई शिव जी के दर्शन, और बारिश हो रही बार भयंकर। सोचो जहाँ जा रहे हैं अगर वहाँ इतनी बारिश होगी ना मोहन सा, मजा बाइक चलेगी भाई अलग लेवल पे। आप लोगों को कंटेंट देखने को मिलेगा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। अरे जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ का आप नाम भी सुनोगे ना अच्छे अच्छे, तो मतलब वो हो जाने शॉर्ट सर्किट। बाकी ठीक है, पर आ गया हमारा पावटा स्टेशन, राय का पास जस्ट ला रहे और राय का पास आ गया। रेलवे स्टेशन आ गया हम फाइनली। बट बारिश भाई तगड़ी हुई है, तगड़ी अभी तक बरस रही है, मस्त वाली। स्टेशन में पहुंच गए, बरसात चेक करो आप, भयंकर बारिश हो रही है भाई, भयंकर एकदम। इतनी बारिश आई है एकदम, आप क्या कहना चाहेंगे? लेके आओ आप, जाओ भाई लेट हो रहा है। हाँ वापिस आऊँगा मैं, जब वापिस आऊँगा ना 1 और 2 तारीख को मैं वापस यहाँ पे हूँ। 1 तारीख को यहाँ पे हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 2 तारीख को बाइक लेंगे कन्फर्म। तो आना आप सब लोग। ट्रेन आ रही, ट्रेन भाई हम ब्लॉग बना रहे हैं। ये 2 मिनट रुकती है यहाँ पे, 2 मिनट से ज़्यादा रुकती भी नहीं है। ये सीट चेक कर रहे हैं मेरी सीट नंबर, और मैं अब ब्लॉग बना रहा हूँ। ओए बाबा टी रुकी रे, मंडर लागे मैं बट रुकी दे देन करते जी उनके दिन नहाड़ो पड़। आएगी भाई ट्रेन, आएगी फाइनली। डब्बों का मोहन से डब्बा ढूंढो, बैठ के भागते दौड़ते ट्रेन के अंदर। बारिश हो रही है, चढ़ गए अभी अंदर अंदर जाएंगे जहाँ सीट है वहाँ पकनी। और बारिश मस्त वाली हो रही है, ऐसे वाला सीटिंग है। बैठ गए अपन ट्रेन में, बैग रख दिया ऊपर। फोन लगा के पूरा बोल रहा कपड़े गीले हो रखे थे तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ खड़े होते हैं क्या पता सूख जाए। बाहर वेदर चेक करो, और बारिश हो रही है अभी, यहाँ बारिश नहीं हो रही पीछे बारिश हो रही है। बड़े सुखा तो भाई कोई स्टेशन आया बड़ा, चेक करेंगे कहाँ है नाम लिखा हुआ। और हमारा भी राजस्थान में भी पूरा इलेक्ट्रिक ट्रेन वाला सिस्टम, लाइट वाला सिस्टम। यहाँ चेक करो ये जो है ना, ये डीजल वाला खड़ा है सामने। ये मालगाड़ी खड़ी है देखो रोड के बीच में, फाटक बंद है बट साइड में से आ गए। प्लेटफॉर्म का ना ये मेड था रोड था, ठीक है। मेरे को कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, पी के देखते हैं यहाँ की कैसी है, लग तो ठीक नहीं रही है। ये देखो बिजली वाले क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसफार्मर इतने बड़े बड़े। ये कोई सिटी आई है, आई थिंक मेड तो आया है या कुछ तो आया है। खड़े मस्त पानी पी रहे नहीं है कुछ भी, शांति भाई। एक सामने से और ट्रेन आती थी जिसके लिए सवारी खड़ी है, ये जोधपुर जाएगी। और हम जोधपुर से जयपुर जा रहे हैं, ये जोधपुर जा रहे हैं। क्या सुंदर पहाड़ है यार, एक नंबर पहाड़ भाई। बैठ के ना आराम से देखे जा रहा हूँ, मस्त वेदर का एकदम। अभी मौसम भी सही हो रहा है, कितने प्यारे लग रहे पहाड़ देखो।
एक नंबर। और ये भाई यहाँ पे मकराना निकलता है, मतलब वाइट जो भाटा आता है वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से नहीं मतलब यहाँ पे पूरा एरिया है, यहीं पे मतलब सारा कुछ बनता है, मार्बल वगैरह जो है वो इस एरिया में बनता है। पहाड़ कितना बड़ा है यार, इतना बड़ा पहाड़ है, ह्यूज भाई, एकदम बड़ा दिख रहा है बड़ा। अभी ट्रेन थोड़ी स्लो हुई है और नज़दीक से दिख रहा है एक नंबर भाई। और वेदर चेक करो आप, ओ भाई अभी गिर जाता मैं, मोय हो जाता। वेदर चेक करो आप, एक नंबर वेदर हो रखा है राजस्थान का भी, क्योंकि बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हुई है, भयंकर मतलब आज जम के बारिश हुई पूरे राजस्थान में, मस्त वाला वेदर है, जहाँ जा रहे हैं मगर वहाँ बारिश हो गई ना, मतलब हालत ख़राब हो जानी है। पूरा जंगल है, जंगल के अंदर जा रहे हैं और वो मतलब बहुत बड़ा मतलब डाकू एरिया है, लोग बोलते हैं हम जाके आपको दिखाएंगे है कि नहीं वहाँ पे, क्या है एक्चुअली, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आप गैस करना है, कमेंट कर देना कि कहाँ पे जा रहे हैं, अच्छी जगह है, मज़ा आएगा आप लोगों को वहाँ का वीडियो वगैरह देख के ना, भाई बहुत बड़ा प्लेस है। गैस उतार दिया नीचे क्योंकि जयपुर पहुँच चुके फाइनली, बट ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही है, कितनी देर में पहुँचेगी स्टेशन में पता नहीं, बट इतना धीरे चल रहा है, एकदम धीरे धीरे भाई, एकदम धीरे चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, पिछले आधे घंटे से। भाई अपन नीचे उतर गए, अभी बाहर जाते हैं, दोस्त से कांटेक्ट करते हैं और फिर जाते हैं उसके पास। यह जयपुर स्टेशन, ठीक है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, चेक कर लो, मैं बड़े सालों बाद में आया हूँ यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है ट्रेन से सफर करके ना, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है। अब आगे जा रहे हैं हम, कैब करेंगे, बाइक से जाएंगे, बाइक से चला जाऊँगा रैपिडो से। यहाँ पे होगी लड़ाई, बाहर निकलते लड़ाई होगी, भयंकर चेक करो। अंकल जी बोल रहे भाई मोटी मोटी गालियाँ, मोटी मोटी गालियाँ, पैसे के लिए लड़ रहे हैं भाई। हम वेट कर रहे हैं हमारे भाइयों का, वो आएंगे यहाँ पे लेने के लिए, बोल रहे हैं आने के लिए, तो वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर वेट लगेगी, जब तक ये देख रहे हैं माहौल ये वाला, बढ़िया हो गया, हो गया सॉर्टेड हो गया भाई। यहाँ पे खड़े खड़े ना मेरी एक चीज़ पे नज़र गई, मैं आपको बताऊँ, मेरे को फ्लैग ये वाला बहुत प्यारा लगा भाई, ना देख के ना काफ़ी देर से देख रहा था, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं, काफ़ी बड़ा है। गेट के बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं भाई लोग का, आ रहे हैं यार, वहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भयंकर भयंकर बारिश, दिखाएंगे आपको कल सीन कितनी बारिश हो रही है। हमारे भैया आ गए लेने के लिए फाइनली, बड़े सालों बाद मिलेंगे भैया से, बड़े सालों मिले थे अभी इवेंट में, बट ऐसे बड़े सालों बाद मिलेंगे बड़े सालों बाद में मस्त फाइनली जयपुर। अगर कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, डोसा देखो भाई इतना बड़ा डोसा, भैंस की आंख भयंकर। ये देखो भाई बाइक लोड हुई है सफारी में, जाएंगे सुबह, बट अभी लोड करके रखी है, देखो एक्सप्रेस डाल दी भाई सफारी में, भैया चलाएंगे इसको, हमारी बाइक वहाँ से आ रही और हमारे एक भैया यहाँ पे, ये देखो लोड कर रहे हैं मस्त, अभी एक बंदा यहाँ पे सो भी जाएगा, बैठ भी जाएगा, बढ़िया सेटअप हो गया भाई। रात को दोस्त के यहाँ पे आके सो गए थे, अपने भाई है जो जोधपुर से यहाँ रहते हैं उनके पास आके सो गए हैं, ये देखो ये अभी तक उठे हैं, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट जहाँ आपको हम जाना है, आज जो हम बोल रहे थे ना कि हमको कहाँ जाना है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। ये भाई की हमारी नंबर प्लेट है, तो भाई हमारा जोधपुर से हमारा मतलब हमारे साथ में राइडिंग करता है, अभी जयपुर रह रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे जहाँ हमें जाना है, मैं जस्ट अभी उठा हूँ, मुँह धोया है और चेंज करेंगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में रिवील कर देंगे हम कौन सी जगह पर जा रहे हैं, क्या नाम है, क्या किस लिए जा रहे हैं, सब कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे। ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करके जाना, क्या अच्छा लगा कमेंट करके जाना इस ब्लॉग में, आपको देखते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, खमा गनी, राम राम।